डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेबरलर्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट फोर। पार्ट फोर में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड इक्विलिब्रियम अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस, बढ़ती लागत स्थितियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन। पार्ट थ्री में मैंने कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस, स्थिर लागत स्थितियों में किस तरह से ट्रेड इक्विलिब्रियम होता है उसको डिस्कस किया था। एक बार मैं जो कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस के कंक्लूजन थे उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में किस तरह से दो कंट्रीज जब आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उनका ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ओवरऑल जीएनपी लेवल राइज हो गया था, यानी वर्ल्ड का जीएनपी बढ़ गया था। इसी तरह से दोनों कंट्रीज का कंजम्पशन पॉइंट, द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ बोथ द कंट्रीज लाइज आउटसाइड देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। दोनों ही देशों का जो उपभोग बिंदु था वो उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित था, यानी दोनों हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस स्कोर पर पहुंच गए थे। तो वहां उन कंट्रीज में ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर का लेवल भी बढ़ गया था और दोनों कंट्रीज ने कंप्लीट स्पेशलाइजेशन किया था, वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण किया था। यह हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम देखते हैं कि क्या इसी तरह के कंक्लूजन्स हमें इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको अभी कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस के कुछ जो कंक्लूजन्स थे वो रिपीट किए थे ताकि आप उसे आज के लेक्चर से कंपेयर कर सके कि क्या डिफरेंस है इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस और कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में। तो चलिए आप बात करते हैं हम ट्रेड इक्विलिब्रियम अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस, बढ़ती लागत स्थितियों में किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलन होगा। तो यहां पर फिर से हम बात करेंगे टू इंटू टू, टू कंट्रीज ए एंड बी, देन टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, दो देश ए और बी, दो वस्तुएं X और Y, दोनों कंट्रीज का जो साइज है वो सेम है, दोनों देश एक ही आकार के हैं, ऐसा हम बात यहां अज्यूम करके चलेंगे कि दोनों का जो साइज है वो सेम है और दोनों कंट्रीज किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखते हैं, किसी एक वस्तु का उत्पादन करने में वो निरपेक्ष लाभ रखते हैं, यहां पर हम उसे भी अज्यूम करते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो कॉस्ट कंडीशंस है हमारी इंक्रीजिंग है, इट मींस इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत जो है वो बढ़ती हुई है। एंड इफ एमओसी इज इंक्रीजिंग, अगर हमारी सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है दोनों ही कंट्रीज में, सो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन, जो उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र की आवृत्ति होगी वो किस तरह से होगी, दोनों ही कंट्रीज के पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर नतोदर बनेंगे। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में हमने देखा था कि स्ट्रेट लाइन पीपीसी बने थे दोनों कंट्रीज के, और आज इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस हैं तो जो दोनों कंट्रीज के पीपीसी बनने वाले हैं वो बनेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु की ओर नतोदर। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है और उस इंटरनेशनल ट्रेड की जो सिचुएशन है उसे हम कंपेयर करेंगे प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले वो कहां पर थे। तो सबसे पहले हम यहां पर दोनों कंट्रीज के जो पीपीसी हैं उनको यहां ड्रॉ कर रहे हैं। X एक्सिस पे X कमोडिटी ले रहे हैं हम और Y एक्सिस पे Y कमोडिटी ले रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसलिए दोनों कंट्रीज के पीपीसी जो होंगे वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होंगे। तो यहां पर ये एक पीपीसी है A A1 इज अ पीपीसी ऑफ कंट्री A देश का पीपीसी। What does it indicates? It indicates that from the given resources, from the full use of resources, a country can produce OA amount of Y commodity or OA1 amount of X commodity. ये जो PPC है A देश का AA1, यह बताता है कि अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करते हुए यह देश या तो OAY वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर सकता है या फिर OA1 एक्स वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर सकता है। अगर वो OAY बना रहा है तो इन दैट सिचुएशन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स बिकम्स जीरो, और अगर वो OA1X बना रहा है तो इन दैट सिचुएशन द प्रोडक्शन ऑफ वाई बिकम्स जीरो।
तो ये पीपीसी बना ए कंट्री का। अब यहां पर एक और पीपीसी हम ले रहे हैं एंड दिस इज बी बी वन। ये जो पीपीसी बना है यह है बी देश का पीपीसी है एंड व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज और फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज बी कंट्री कैन प्रोड्यूस ओबी अमाउंट ऑफ वाई और ओबी वन अमाउंट ऑफ एक्स। अपने दिए गए संसाधनों के पूर्ण प्रयोग से बी देश या तो ओबी वाई का उत्पादन कर सकता है या ओबी वन एक्स वस्तु का उत्पादन कर सकता है। अगर वो ओबी वाई बनाता है तो x becomes 0 और अगर वो O B1 x बनाता है तो in that situation the production of y becomes 0. So these all are the production possibilities. Now it is clear from the shapes of PPC. जो दोनों देशों के PPC बन रहे हैं उनको अगर हम observe करें देखें तो उससे बिल्कुल clear हो रहा है कि A देश को y वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ मिल रहा है। ए कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है वाई कमोडिटी को बनाने में। आप देखिए क्योंकि वो ओ ए वाई बना सकता है और अगर वो सारे रिसोर्स एक्स में लगा दे तो केवल ओ ए वन एक्स बना सकता है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज यहां ए देश को मिल रहा है वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में। इसी तरह से बी देश की एफिशियंसी एक्स ज्यादा बनाने में। आप देखिए वो अपने रिसोर्स से ओ बी वन एक्स बना सकता है और केवल ओ बी वाई बना सकता है। तो यहां पर जो बी देश है उसकी एफिशिएंसी एक्स कमोडिटी को बनाने में यानी उससे जो एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है निरपेक्ष लाभ मिल रहा है वो एक्स वस्तु के उत्पादन में मिल रहा है और ए देश को वाई कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। अब हम बात करते हैं प्री ट्रेड इक्विलिब्रियम की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले किस तरह से संतुलन दोनों देशों में था, जब ट्रेड नहीं हो रहा था तब दोनों कंट्रीज कहां थे उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर हम एक जस्ट फॉर इंडिकेशन एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बना देते हैं CI1। मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है सपोज बी पॉइंट, दिस बी पॉइंट इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट बिफोर द ट्रेड ऑफ कंट्री बी। बी देश का उत्पादन और उपभोग का बिंदु व्यापार से पहले यानी जब किसी तरह का कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है तो इस बी पॉइंट पर ही प्रोडक्शन कर रहा है पीपीसी के ऊपर। आप देखिए यानी पूरे रिसोर्सेस का यूज हो रहा है वहां पर और ये कम्युनिटी इंडिफरेंस का वहां के कंजम्पशन पॉइंट को शो कर रहा है। तो बी कंजम्पशन और प्रोडक्शन पॉइंट है। इसी तरह से मान लीजिए कि ये एक और यहां पर मैंने कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बना दिया है सपोज दिस इज CI2 एंड दिस इज पॉइंट ए एंड दिस ए पॉइंट इंडिकेट्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ कंट्री ए बिफोर ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले मान लीजिए ए देश इस ए बिंदु पर स्थित है, ए पे ही वो प्रोडक्शन कर रहा है और ए ही उसका कंजम्पशन पॉइंट है। तो बी इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ कंट्री बी एंड ए इज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पॉइंट ऑफ कंट्री ए बिफोर द ट्रेड व्यापार से पहले। अब यहां पर रिलेटिव प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतों का अध्ययन करने के लिए हम यहां पर एक टेंजेंट लाइन एक यहां बना देते हैं और एक टेंजेंट लाइन मान लीजिए यहां बना देते हैं। और आप देखिए कि जब आप इन दोनों टेंजेंट लाइन्स को ये दोनों टेंजेंट लाइंस क्या शो कर रहे हैं, रिलेटिव प्राइस रेशो और रिलेटिव कॉस्ट रेशो ऑफ बोथ द कमोडिटीज। तो इट इज क्लियर कि जो ये दोनों जो टेंजेंट लाइंस हैं इनका स्लोप इनका जो ढाल है वो हमें यहां पर डिफरेंट लग रहा है, दोनों का स्लोप सेम नहीं है। यानी दोनों कंट्रीज में जो प्राइजेस है या कॉस्ट है एक्स और वाई की वो डिफरेंट है। There is difference in the cost conditions, लागत स्थितियों में या कीमत स्थितियों में वहां पर अंतर है। तो जब हम कंपेयर करते हैं हम देख रहे हैं कि जो A पॉइंट पे लाइन आ रही है A कंट्री की जो टेंजेंट लाइन आ रही है that is steeper compared to this tangent line of country B। यहां पर A देश की जो स्पर्श रेखा है जो PPC पर स्पर्श कर रही है कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व के साथ वो B देश के कंपेरिजन में स्टीपर है। और बी देश की जो लाइन हम ये भी कह सकते हैं कि बी की जो लाइन आ रही है टेंजेंट लाइन दैट इज फ्लैटर कंपेयर टू द टेंजेंट लाइन ऑफ ए पॉइंट।
कि ए बिंदु की जो स्पर्श रेखा है उसके कंपैरिजन में बी की फ्लैटर है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ए कंट्री की पर यूनिट कॉस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई कमोडिटी कंपेयर टू एक्स इज लेस। ए देश को एक्स वस्तु का उत्पादन करने में वाई की तुलना में जो लागत आ रही है वो कम है। एंड इन द सेम मैनर ये जो बी पॉइंट की लाइन है व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि बी देश को एक्स वस्तु का उत्पादन करने में वाई वस्तु की तुलना में जो लागत आ रही है वो कम है। द प्रोडक्शन कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स कमोडिटी कंपेयर टू वाई इज लेस इन कंट्री बी। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये दोनों कंट्रीज में जो कॉस्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो लागतों में अंतर आ रहे हैं, वो ही उन्हें आगे उस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करने के लिए, उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, उस वस्तु का के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने के लिए उसको आगे लेकर जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर Y कमोडिटी के प्रोडक्शन में A को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि वहां डिफरेंसेस आ रहे हैं कॉस्ट में, और B कमोडिटी B देश को X कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस आ रहे हैं कॉस्ट में उसकी वजह से दोनों कंट्रीज अब स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, विशिष्टीकरण की तरफ आगे जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अब A कंट्री एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, यानी वो अपने कुछ रिसोर्सेस जो एक्स में लगे हुए थे उनको ट्रांसफर करेगा फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक कंट्री वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एंड कंट्री बी वो स्पेशलाइजेशन करेगा एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में, एक्स वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, यानी कंट्री बी अपने कुछ रिसोर्सेस जो वाई में लगे हुए थे उन्हें ट्रांसफर करेगा, यहां से विड्रॉ करेगा वो रिसोर्सेस को और उनको ट्रांसफर करेगा एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करने में। तो इस तरह से हम यहां पर कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ए देश वाई का उत्पादन बढ़ाएगा एक्स का कम करेगा, बी देश एक्स का उत्पादन बढ़ाएगा और वाई का कम करेगा। अब यहां पर मान लीजिए जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा है, वो लाइन यहां पर हमें मिल रही है और ये जो लाइन मैंने बनाई है डॉटेड लाइन, ये मान लीजिए इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा है। और जैसे ही ये लाइन ए कंट्री और बी कंट्री के पीपीसी को स्पर्श कर रही है, जहां टेंजेंट हो रही है, वहां उनका प्रोडक्शन पॉइंट डिटरमाइन हो जाएगा। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं MN। MN जो लाइन है ये ए कंट्री के पीपीसी को यहां आप देख रहे हैं, यहां पर ये टेंजेंट हो रही है और बी कंट्री के लिए यहां पर टेंजेंट हो रही है। तो ये जो पॉइंट आया है के पॉइंट एंड एस पॉइंट, दिस इज द प्रोडक्शन, के पॉइंट इज द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ कंट्री ए आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो उस वक्त उनका प्रोडक्शन पॉइंट क्या हो गया है, ए से शिफ्ट होके कहां आ गया है के पे, और इसी तरह से बी का जो प्रोडक्शन पॉइंट है वो बी से शिफ्ट होके कहां आ गया है ए पर। तो आप देखिए यहां पर हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं अब इंटरनेशनल ट्रेड जब स्टार्ट हुआ है दोनों कंट्रीज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉइंट्स, प्रोडक्शन पॉइंट्स उत्पादन के बिंदु जो बदल रहे हैं उनको हम यहां पर देखते हैं। तो आप देखिए कि फॉर कंट्री ए एंड फॉर कंट्री बी, कंट्री ए का पहले प्रोडक्शन पॉइंट था ए, तो ये आ गया है फ्रॉम ए टू के, ये कहां आ गया ए से के पर, यानी ए से के पर आने का मतलब पहले वो इतनी एक्स बना रहा था अब एक्स कम बना रहा है, पहले वाई इतनी बना रहा था वाई ज्यादा बना रहा है, यानी वाई का प्रोडक्शन उसने बढ़ा दिया है और एक्स का प्रोडक्शन कम कर दिया। इसी तरह से कंट्री बी को देखें आप तो वो कहां आ गया
बी से एस पर, फ्रॉम बी टू एस। अब ये बी पॉइंट था और अब वो कहां आ गया, एस पर। जैसे ट्रेड स्टार्ट होता है तो कहां आ गया वो, एस पर। तो आप देखिए पहले वो इतना एक्स बना रहा था, अभी वो एक्स ज्यादा बना रहा है, यानी एक्स का प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया। पहले वो वाई इतना बना रहा था, अभी वाई इतना बना रहा है, वाई का प्रोडक्शन कम कर दिया। तो हमने देखा कि यहां पर दोनों कंट्रीज अपने अपने कमोडिटीज में स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, विशिष्टीकरण की तरफ जा रहे हैं, बट हमने देखा कि यहां कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। जस्ट लाइक कॉन्स्टेंट कॉस्ट कंडीशंस, स्थिर लागत स्थितियों में जैसे हमने देखा था कि वहां पूर्ण विशिष्टीकरण हो रहा था, तो यहां पर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। अब देखिए प्रोडक्शन पॉइंट के है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कब होता है, जब वो मान लीजिए यहां चले जाते, लेकिन पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं हुआ, यानी कंट्री ए वाई कमोडिटी का कुछ पार्ट बना रहा है, इसी तरह से एक्स कमोडिटी का कुछ पार्ट बना रहा है, कंट्री बी भी वाई कमोडिटी का कुछ पार्ट बना रहा है, उन्होंने कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया है। तो ये डिफरेंस है यहां पर जिसे आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कंजम्पशन लेवल्स की, तो ये तो बात हुई प्रोडक्शन पॉइंट्स किस तरह से चेंजेस हुए हैं और दोनों कंट्रीज ने जिन जिन कमोडिटीज में उन्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा था, जिस जिस वस्तु के उत्पादन में उन्हें निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा था, वहां पर स्पेशलाइजेशन बढ़ाया, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन उन्होंने बढ़ा दी है, अपनी जो विशिष्टीकरण की श्रेणी है वो बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं किया है, वहां कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कंजम्पशन पॉइंट्स, ये था प्रोडक्शन पॉइंट्स, अब हम बात करेंगे कंजम्पशन पॉइंट्स की, उपभोग बिंदुओं की। तो यहां पर मान लीजिए ये एक नया कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व यहां पर आ गया, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व नंबर थ्री, और दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट सी कंजम्पशन, एंड दिस इज द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, ये जो कंजम्पशन पॉइंट है दोनों कंट्रीज का। तो आप देखिए पहले कंजम्पशन पॉइंट बी था, कंट्री बी का, वो अब कहां आ गया, सी पर, हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। इसी से कंट्री ए का कंजम्पशन पॉइंट पहले ए था, अब वो कहां आ गया, सी पे, अगेन हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच गए हैं, ऊंचे समुदाय उदासीनता वक्र पर पहुंच गए हैं, यानी वहां के लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल, संतुष्टि का स्तर पहले से ज्यादा हो गया है। एंड अगेन इट इज क्लियर कि दिस कंजम्पशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये जो कंजम्पशन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है, ये जो उत्पादन संभावना वक्र है या जो कंजम्पशन पॉइंट है दोनों कंट्रीज का, वो दोनों देशों के पीपीसी से बाहर स्थित है, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर का लेवल, ओवरऑल जो आर्थिक कल्याण का स्तर है दोनों कंट्रीज में, वो वहां राइज हो गया है। तो हमने देखा कि दोनों कंट्रीज जो है वो हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच गए हैं और वहां इकोनॉमिक वेलफेयर का लेवल राइज हो गया, एंड दिस कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व लाइज आउटसाइड देयर पीपीसी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, कितना एक्सपोर्ट होता है, कितना इंपोर्ट होता है, उसको हम यहां पर कंपेयर करेंगे। तो ये सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहां पर मैंने बना दिया है, दिस इज फॉर कंट्री ए, सपोज दिस इज ई पॉइंट। So, कंट्री ए का ट्रेड ट्रायंगल, ट्रेड ट्रायंगल ऑफ कंट्री ए इज केईसी, और इसी तरह से कंट्री बी का भी हम ट्रेड ट्रायंगल बना देते हैं, सपोज दिस इज जे पॉइंट। So, ट्रेड ट्रायंगल ऑफ कंट्री बी सी जे एस। अब आप देखिए प्रोडक्शन पॉइंट है के कंट्री ए का और कंजम्पशन पॉइंट है सी, तो आप देखिए ये के से लेकर ई तक के ई क्वांटिटी ऑफ Y कमोडिटी, देखिए के ई ए क्वांटिटी ऑफ
वाई कमोडिटी, ये इतना वाई बना रहा था, अब के ई क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी ये इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट्स निर्यात किए, ये इनके एक्सपोर्ट्स हो गए, एक्सपोर्ट ऑफ वाई यहां से यहां तक, और इसके बदले में किसको किया है, बी कंट्री को, और इसके बदले में ई सी, ई सी अमाउंट ऑफ एक्स कमोडिटी ये इन्होंने इंपोर्ट कर लिया है, ये इसके इंपोर्ट्स हो गए। सो दिस ट्रेड ट्रायंगल इंडिकेट्स, व्यापार त्रिभुज जो ये बना है ए कंट्री का, वो क्या बता रहा है कि के ई अमाउंट ऑफ वाई, वाई की के ई मात्रा का टोटल वाई वो इतनी बना रहे मान लीजिए, तो उसमें से के ई अमाउंट उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, किसको किया, कंट्री बी को, और उसके बदले में ईसी अमाउंट ऑफ एक्स उन्होंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, किससे किया, बी देश से। इन द सेम मैनर यहां पर आप बी कंट्री के ट्रेड ट्रायंगल की स्टडी करिए, कंजम्पशन पॉइंट सी, प्रोडक्शन पॉइंट एस, प्रोडक्शन पॉइंट एस व्हाट डज इट इंडिकेट्स, एस जे और जे एस, जे एस अमाउंट ऑफ एक्स कमोडिटी, JS अमाउंट ऑफ X कमोडिटी क्या किया उन्होंने, एक्सपोर्ट निर्यात कर दिया, किसको निर्यात किया, कंट्री A को, और बदले में CJ, CJ अमाउंट ऑफ Y कमोडिटी, ये उन्होंने क्या किया, CJ अमाउंट ऑफ Y कमोडिटी बदले में क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, किससे, कंट्री A से आयात कर लिया। एक बार फिर से देखें, This is straight triangle of country A, KEC. What does it indicates? A will export KE amount of Y. KE amount of Y का वो export करेगा और बदले में EC amount of X क्या कर लेगा? Import कर लेगा country B से. B country का trade triangle CJS. What does it indicates? कि कंट्री बी जेएस अमाउंट ऑफ एक्स का एक्सपोर्ट करेगा और बदले में सीजे क्वांटिटी ऑफ वाई वो क्या करेगा, ए देश से इंपोर्ट कर लेगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि के ई जो एक्सपोर्ट किया है यहां पर इज इक्वल टू, ये देखिए किसने किया, एक्सपोर्ट और इन्होंने ले लिया, इज इक्वल टू सीजे, ये और ये इक्वल है। इसी तरह से जो ईसी इन्होंने एक्सपोर्ट किया है वो इंपोर्ट किया है वो इनका जे एस के इक्वल है। एक बार फिर से समझे इसको, के ई अमाउंट क्या है, ए देश का एक्सपोर्ट है विच इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ बी कंट्री, ठीक है, एंड ईसी इज द इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ country B which is equal to JS means exports of country B, yani country A ka niryat country B ke ayat ke barabar hoga aur country B ka niryat country A ke ayat ke barabar hoga. So these are the observations from this increasing cost conditions. To humne dekha ki is sthiti mein koi bhi desh complete specialization ki taraf nahi ja raha, पूर्ण विशिष्टीकरण की तरफ नहीं जा रहा है, वहां स्पेशलाइजेशन हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, और कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में हमने देखा था कि वहां दोनों कंट्रीज किसी एक कमोडिटी को बनाने में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करते हैं, ओवरऑल यहां वेलफेयर का लेवल, इकोनॉमिक वेलफेयर का लेवल बढ़ गया है क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है वो हायर कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पर पहुंच गए हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड से यहां फायदा हो रहा है दोनों देश के निवासियों को क्योंकि वो ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं गुड्स को पहले से, और यहां हमने इसलिए जब कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन से हम कंपेयर करते हैं तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि वहां कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है और यहां कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं होता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में कभी भी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता, पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं हो सकता, और अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, क्यों नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है, थैंक यू।